टू ज्योति बरोला आर्ट। तो आज हम बनाने वाले हैं करवा चौथ स्पेशल पूजा की थाली, और इसको बनाने के लिए इसमें है एक छोटा सा ट्विस्ट। तो हम इसको बनाने के लिए यूज करने वाले हैं उत्तराखंड का ट्रेडिशनल एपन आर्ट। और ये एपन आर्ट क्या होता है, इसको कैसे बनाते हैं, इसको देखने के लिए आइए चलते हैं वीडियो में। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले लेंगे हम करवा चौथ की थाली का सामान, जो कि है एक थाली, कलश, दिया और छन्नी। मैंने ये सारी चीजें मिट्टी की ली हैं। इसके बाद हम इसमें करेंगे रेड पेंट, फिर हम यूज करेंगे व्हाइट फैब्रिक कलर एंड पतला ब्रश। फैब्रिक कलर में हम हल्का सा पानी मिलाएंगे ताकि ये पतला हो जाए। एक और इजी है के पेंट करने का, उसके लिए आपको लेना होगा एक छोटा फेविकॉल का डब्बा या ऐसा कोई डब्बा जिसमें नॉब है। इसको मैंने धो लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी व्हाइट पेंट जिसको मैंने पतला किया था। ये रहा पतला किया हुआ व्हाइट पेंट और ये है डब्बा। अब इसको इसमें डाल देते हैं। ये सब करने में हाथ थोड़े गंदे जरूर होंगे, लेकिन ये कलर आराम से बाद में धुल जाएगा। अब मैंने रेड कलर की पेंट की हुई थाली पे येलो कलर के पेंसिल कलर से हल्का सा डिजाइन का स्टेंसिल बना लिया है, सो दैट मैं कोई गलती ना करूं। अब जो ट्यूब मैंने बनाई थी उसको यूज करके इस स्टेंसिल पे डिटेल आर्टवर्क बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। अब पतला ब्रश लेके जहां जहां पे बीच में गैप हुए हैं मैं उनको अच्छे से फिल कर दूंगी। इससे मुझे बार बार कलर नहीं लेना पड़ेगा ब्रश में, ऑलरेडी जो प्लेट में लगा हुआ कलर है उसी को मैं अच्छे से फैलाऊंगी। अगर कहीं पे गलती हो जाए तो आप एक कॉटन का ईयरबड ले सकते हैं भीगा हुआ, और उससे आराम से इसको साफ कर सकते हैं। और पूरा मिटाना हो तो वो भी आराम से मिट जाएगा। अब बाकी का डिजाइन भी हम इसी ट्यूब से कंप्लीट कर देंगे। ईयरबड की हेल्प से मैं गोल गोल डॉट्स बना रही हूं। बीच में ब्रश की हेल्प लेके मैंने डिजाइन में और डिटेल्स डाल दी हैं। बीच में स्वास्तिक भी बना दिया है। अभी धीरे धीरे हम इसमें ऐसे ही और डिटेल्स ऐड करते जाएंगे। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा प्रिसाइज बना पाएंगे। मैं भी ये बहुत टाइम बाद बना रही हूँ, तो मेरा भी उतना प्रिसाइज नहीं बन रहा है जितना मैंने सोचा था। अब बीच का डिजाइन कंप्लीट करके मैं एजेस पे और डिटेल्स ऐड कर रही हूँ। तो साइड के कलीरे भी कंप्लीट हो गए हैं। आइए इनमें और डिटेल्स ऐड करें ईयरबड की मदद से। ईयरबड से मैं इनमें गोल गोल डॉट्स दे रही हूँ। तो डॉट्स भी कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं इसमें एपन आर्ट में कॉमनली यूज होने वाली लाइंस, जिनको कहते हैं वसुधरा, उनको ड्रॉ करूंगी। ये लाइंस हमेशा ऑड नंबर में होती है, कभी भी इवन नहीं होती है, तो मैं यूज करूंगी 7 लाइंस। सो फाइनली हमारी थाली कंप्लीट हो गई है। इसमें और थोड़ा सा हाईलाइट डालने के लिए मैंने येलो कलर यूज किया है, और इसको और ब्यूटीफुल बनाने के लिए मैं अब इसमें लगाऊंगी मिरर्स। तो फाइनली हमारी थाली हो गई है रेडी, और ये मिरर्स लगने के बाद और ज्यादा सुंदर लग रही है, बहुत ही प्रिटी लग रही है। जिस टेक्निक से हमने थाली बनाई थी उसी टेक्निक से अब हम कलश और दिए को भी पेंट करेंगे, पर इस बार मैं फेविकॉल की ट्यूब का यूज नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट ब्रश से ही पेंट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा हाथ अब थोड़ा सा सेट हो चुका है। सो फाइनली कलश भी हो चुका है कम्प्लीट, और यहाँ दिया भी हो चुका है कंप्लीट। आइए अब इसमें और डिटेलिंग्स ऐड करें, दोनों में थोड़े थोड़े मिरर्स लगा के। सो फाइनली हमारी करवा चौथ की थाली हो चुकी है रेडी, और ये कंप्लीट होने के बाद बहुत ही प्रिटी लग रही है। ट्रस्ट मी, इसमें एक आपका कल्चरल टच भी है, आपका प्यार भी है, और साथ के साथ जब आप इसे पूजा करेंगे तो फोटोज भी बहुत प्यारी आएंगे। तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिए, ये बहुत सुंदर लगती है बनने के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू अगेन, बाय बाय।